यूनिक यूट्यूब चैनल नेम जस्ट, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके माइंड में नहीं आ रहा है कि अपने यूट्यूब चैनल का नाम आपको क्या रखना है, तो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि भाई आप यूनिक यूट्यूब चैनल नेम किस तरीके से रख सकते हो। और अगर आप अपना दिमाग काफी ज्यादा दौड़ा रहे हो फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मुझे चैनल का नाम आखिर क्या रखना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा तो मैं आज ऐसी आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको बहुत सारे जो नेम है वो आपको मिल जाएंगे, सजेशन आपको मिल जाएगा, और उनमें से जो बेस्ट नाम आपको लगे वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो जो नाम आपको रखना होगा वो रख सकते हो। आज मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप अपने YouTube चैनल का नाम किस तरीके से रखोगे और यूनिक किस तरीके से रखना है, क्या गलती करते हो वो नहीं करनी है, और तो पूरा आपको समझाऊंगा किस किस तरीके से चेक कर सकते हो और किस किस तरीके से अपने YouTube चैनल का नाम आप रख सकते हो, तो सभी कुछ पता लगेगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लो ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको ये करना है, अगर आप एक यूट्यूब चैनल आपने बनाया, यूट्यूब चैनल बना रहे हो या फिर उसका अगर आपको नाम रखना है अपने चैनल का, तो आपको एक ऐसा नेम रखना चाहिए जो कि बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग हट के होना चाहिए और कोई छोटा सा नाम होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नाम ना हो कि भाई आपने पूरा ही नाम अपना जो पूरा नाम 10-12 नंबर का है या फिर बहुत बड़ा आपका नाम है उसमें आपने नंबर वगैरह भी लगा दिया या फिर और कुछ भी ऐड कर दिया उसमें। इस तरीके से अपने YouTube चैनल का बड़ा सारा नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मेरे चैनल का नेम आप देख सकते हो टेकरेन, बिल्कुल सिंपल सा है टेकरेन, आप देख सकते हो सिर्फ दो उसमें है, तो टेकरेन बस इतना सा, ये छोटा सा, तो छोटा सा नाम आपको रखना है। जैसे छोटा सा नाम रखोगे उसका यही फायदा है कि आपको वो लोगों को याद रहता है, बिल्कुल छोटा सा नाम जो होता है, तो ये किस तरीके से रखना है। प्लस आपको दूसरी गलती ये नहीं करनी है, आपको भाई जो है यहाँ पे बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं जैसे कि भाई टेक्निकल गुरु जी हो गए, यहाँ पे जो है बहुत राउंड 12 हो गया, या फिर मतलब जो इस तरीके के जो चैनल है लोगों के, मनोज जी हो गया, उनके नाम से आपको सेम नाम का चैनल नहीं बनाना है। अगर आप सेम नाम का चैनल बनाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, आपका चैनल सबसे ऊपर सर्च में नहीं आएगा और उन लोगों के सर्च में आएंगे, तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। किसी के नाम का चैनल आपको नहीं बनाना है, अपने नाम से अलग चैनल बनाना है। तो अभी आपको ये समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया, अभी आपको ये समझना है कि जो अलग नाम होगा जो YouTube पे पहले से ना हो ऐसे नाम का आपको चैनल बनाना है, ठीक है, जो YouTube पे पहले से हो ही ना, किसी का बड़ा चैनल ना हो उस नाम से। तो अगर आप इस नाम से ऐसा चैनल बनाते हो तो सबसे ऊपर जैसे सर्च करोगे सर्च में सबसे ऊपर आएगा, और जो भी सर्च में आएगा, जो भी जिसे भी आप नाम बताओगे सर्च में सबसे ऊपर आएगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा। अभी मैं बात करता हूँ किस तरीके से आपको रखना है, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, तो सीधा सीधा आपको जाना है यहाँ पे कहाँ से, क्रोम में जाकर सर्च करना है आपको यहाँ पे नेम चेक, जहाँ दोस्तों यहाँ पे नेम चेक यहाँ पे आप जो है आपको जाके लिखना है। तो नेम चेक जैसे ही लिखोगे, लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाली वेबसाइट देख रहा हूँ मिल जाएगी जिसमें ग्रीन एन बना हुआ है, तो ये वाला बस आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ये खुलेगी, खुलने के कुछ सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या चीज सेलेक्ट करनी है, देखो यहाँ पे 3 लाइन आपको ऊपर में देखने को मिल रही होगी, इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेम यहाँ पे जो है जनरेटर आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे को आना है और यहाँ पे आपको यूट्यूब वाला मिल जाएगा, यूट्यूब नेम जनरेटर, तो यूट्यूब नेम जनरेटर पर बस क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेम डालना है, अगर आप टैग से यहाँ पे रिलेटेड चैनल बनाने वाले हो या फिर आप यहाँ पे जो है भाई किससे रिलेटेड बनाने वाले, कॉमेडी या फिर किसी से भी रिलेटेड बनाने वाले हो, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है कॉमेडी, जैसे कि मैं कॉमेडी का चैनल मुझे बनाना है और कॉमेडी से रिलेटेड मुझे अपने चैनल का नाम रखना है, तो मैंने कॉमेडी लिख दिया है। कॉमेडी लिखने के बाद आप सीधा सीधा यहाँ पे इस पर क्लिक करो, आई एम नॉट ए रोबोट पर क्लिक करके उसके बाद सीधा सीधा सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको ये बहुत सारे नेम दे देगा जो अवेलेबल होंगे। देखो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा आई कैन कॉमेडी, कॉमेडी ब्लॉग के नाम से कोई यहाँ पे YouTube पर चैनल नहीं होगा, रेयर कॉमेडी, क्रॉस कॉमेडी, इस तरीके से काफी सारे चैनल नेम आपको दे देगा। तो सीधा सीधा आपको जो यहाँ पे जैसे कि सबसे ऊपर में आ रहा है कि भाई कॉमेडी व्लॉग देखते हैं, कॉमेडी व्लॉग सर्च करते हैं यहाँ पे YouTube पे जाना है आपको, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉमेडी, और कॉमेडी लिखने के बाद आपको व्लॉग लिखना है, ठीक है, तो कॉमेडी व्लॉग लिख दिया, उसके बाद यहाँ इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद अब आपको ये करना है, यहाँ पे 3 डॉट ऊपर में देखने को मिलती है, सर्च फिल्टर पर क्लिक करना है, उसके बाद टाइप में आपको यहाँ पे चैनल सेलेक्ट करना है, चैनल जैसे सेलेक्ट करोगे उसके बाद अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखो कॉमेडी व्लॉग के नाम से जो यहाँ पे कोई भी चैनल नहीं आ रहा है, मतलब जो खाली कॉमेडी व्लॉग अगर नाम अगर आप रखोगे तो वो ऊपर आएगा सर्च में, अगर आप कोई रखने वाले हो, ठीक है, कॉमेडी व्लॉग चैनल आ गया, देखो राखी यहाँ पे आ गया, कॉमेडी व्लॉग के नाम से जो यहाँ पे चैनल नहीं आ रहा है, तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से जाके पहले YouTube पे आप जाके सर्च भी करो कि उस नाम से कोई चैनल ना हो, अगर कोई चैनल है 10-20 सब्सक्राइबर हैं, काफ़ी सारे चैनल भी हैं, अगर उन पर कम सब्सक्राइबर हैं, 10-20 सब्सक्राइबर हैं, 100-200 सब्सक्राइबर हैं, तो उस नाम से भी आप यहाँ पे अपना चैनल बना सकते हो, ठीक है, तो उस नाम से आप बना के स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन आप जो है
एक्टिव रहोगे तो आपके जल्दी ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, और बहुत सारे आप सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत सारे जो अवेलेबल जिन पे लिखा हुआ है वो सारे आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, कॉमेडी सर्च करते हैं, इस बार हम टेक सर्च कर लेते हैं। अगर आपको टेक का चैनल बनाना है तो TECH में लिखूंगा, उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं सर्च कर दूंगा। तो टेक मैंने जैसे सर्च करा, सर्च करते ही देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा नाम आ रहा है, टेक सेलिब्रेशन। तो अवेलेबल है टेक सेलिब्रेशन, आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो टेक सेलिब्रेशन अपने चैनल का नाम रखते हो, एंड गो टेक के नाम से आ रहा है, देखो आई कैन टेक, बहुत सारे और नीचे आ रहे हैं जितने ये अवेलेबल नहीं है जो ये वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये लोगों के ऑलरेडी नाम है यूट्यूब पे, और जो देखो ये वाले नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप नीचे जाओगे और काफी नीचे तो आपको और काफी सारे नेम्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। देखो अवेलेबल काफी सारे और आ गए, तो इनमें से आप कोई अपना चैनल का नाम जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और इस तरीके से कुछ भी चेक करो। चेक करने के बाद बस यूट्यूब पे जाके, जैसे मैंने अभी आपको फिल्टर लगा के चेक करके दिखाया, इस तरीके से फिल्टर लगा के चेक करो। फिल्टर लगा के चेक करने के बाद अगर आपको उस नाम से कोई चैनल नहीं है, अगर है भी 10-20 सब्सक्राइबर है, 100 सब्सक्राइबर है, तो उसी नाम का आप चैनल बना सकते हो। लेकिन जैसे आप चैनल बना लोगे उसके बाद कीवर्ड्स वगैरह लगा लो ताकि आपका चैनल सबसे ऊपर सर्च में आए। ठीक है, उसके बाद वीडियोज आप 4-5 वीडियो डालोगे तो आपका चैनल सबसे ऊपर सर्च में आएगा, और उससे यही फायदा है कि आपको एक यूनिक नेम मिल जाएगा, और यूनिक नेम आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हो, और आपको बहुत सारे सजेशन मिल जाते हैं कि भाई आप इस तरीके से आप नाम रख सकते हो। तो आपको पूरा समझ में आ गया हो तो बस ये थी वीडियो, वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं इसी वीडियो अपडेट लाके देता रहूंगा। थैंक यू।